हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में, बहुत ही सिंपल इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो इंट्राडे भी कर सकते हैं और उसको कुछ दिनों तक हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर हम उस पर लेवल्स अच्छे से बना लें, अगर हम उस पर डेटा के हिसाब से हम देखें कि कहाँ तक ये जा सकने की संभावना है तो उसके मुताबिक हम वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या उनसे मिस्टेक होती है और क्या क्या उनका परसेप्शन होता है और परसेप्शन को हम कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज हम यूज़ करेंगे चार्ट और चार्ट के साथ यूज़ करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट, कैसे इस सिंपल टूल को हम ऑप्टिमाइज करके बहुत ही अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई लोग जो हैं वो जब ट्रेडिंग सेटअप जो देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का मन में ये रहता है कि हमें बहुत ही सिंपल सेटअप चाहिए, हमें मतलब ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा डेटा या बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर हमें नहीं देखने हैं, हमें कोई एक सिंपल सेटअप चाहिए जिसको मैं यूज़ करूँ, जिसको मैं ऑप्टिमाइज़ करके अपना ट्रेड को और भी अच्छा स्केल अप कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं और कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं किसी ट्रेडिंग सेटअप की मैं बात करूं, ठीक है, किसी भी ट्रेडिंग सेटअप की बात करूं, तो आप देखोगे कि स्टॉक का मोमेंटम, ठीक है, स्टॉक का मोमेंटम अगर यहाँ पे कोई मैं प्राइस ले लेता हूँ, जैसे ये 3000 है, ठीक है, कोई भी स्टॉक का प्राइस ले लीजिए, यहाँ पे 3100 है, ठीक है, मैं राउंड ऑफ ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, 31 आगे 3020 भी होता है, 3040 भी होता है, बस जस्ट राउंड ऑफ के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो 2900 है और नीचे 2800 का मैंने यहाँ पर लेवल लिया। तो आप देखोगे कि प्राइस, जैसे कि प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे करके मूव करके आया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन किया और फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर थोड़ा ब्रेक किया, फिर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर आया, फिर ऐसे आया, इस लेवल को सस्टेन किया, आगे नीचे आया और आगे जाके यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ा ब्रेकआउट करके आप देखोगे ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इस पूरे चार्ट पैटर्न को कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल जो है, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर लेवल, तो यहाँ पर मुझे तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि कैसे इसको रिस्पेक्ट करके कैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया और कैसे यहाँ पर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट किया यहाँ पर, तो मैं आसानी से ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि 3100 है तो मैं यहाँ पर 3100 का कॉल बाय कर सकता हूँ। ठीक है, कॉल बाय करूंगा, नहीं तो मैं इसका कोई फ्यूचर बाय करके भी इसको इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशन में ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो लेकिन क्या हमें ऐसा क्लियर चार्ट हमेशा मिलता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बार आपको देखोगे कि चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, रीज़न ये होता है कि वहाँ पर हमारा डेटा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें, जैसे ये 3000 का लेवल है, मान लीजिए ऐसा लेवल बना हुआ है। ठीक है, तो अगर स्टॉक यहां से मूव करके ऐसे 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 करके मूव करके आया तो आप देखोगे यहां ब्रेक किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ब्रेक हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ब्रेक हो रहा है, फिर यहां पर नीचे आया। ठीक है, नीचे ऐसे आके फिर ऐसे ऐसे यहां पर घूमा, फिर यहां पर आप देखोगे ब्रेकआउट किया, यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद फिर देखोगे ऐसे ऐसे करके ऊपर चला गया। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि पहली बार ऐसा किया तो दूसरी बार ऐसा चला जाए, ऐसा कई बार करता है, दो तीन बार करेगा, तीसरी चौथी बार शायद ऊपर चला जाए। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है? इसका पीछे रीज़न ये है कि कई बार जब हम ट्रेड करते हैं एज ए ऑप्शन बायर, मुझे क्या लग रहा है कि 3000 जो लेवल है ये ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है, बट एज ए ऑप्शन राइटर मुझे क्या लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये नीचे रह सकता है। वो जो ऑप्शन राइटर है वो भी कुछ अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ठीक है, वो भी वोलेटिलिटी उसमें सब चेक करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि 3000 है वहाँ पर, हो सकता है कि वो सस्टेन करके नीचे चला जाए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, उसका बुलिश मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, हो सकता है कि वो ब्रेक करके बहुत ऊपर चला जाए, तो ऐसा राइटर्स को भी मालूम पड़ता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहां पे, जो उन्होंने कॉल ऑप्शन को राइट किया हुआ था, कॉल ऑप्शन को राइट मतलब सेल किया हुआ था, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन यहां से अनवाइंड करेंगे।
ठीक है, यहाँ से वो क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड करने के बाद क्या होता है, अनवाइंड करने के बाद ये होता है कि इनको यहाँ पर और भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, कि कॉल ऑप्शन राइटर्स भी अनवाइंड कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो दो दो आपको कंफर्मेशन हो जाता है। तब क्या होता है, ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। मीनवाइल जब तक यहाँ पर घूम रहा है, राइटर्स भी मजबूत हैं, बायर्स भी मजबूत हैं, इसके वजह से वो ऐसा घूमता हुआ नजर आता है। ठीक है, फाइट हो रही है काफ़ी, तो जो राइटर्स हैं उनको तो कंसेप्शन क्लियर है। यहाँ पर बायर्स वाली भी बात आती है, अगर बायर्स लोगों को भी लगता है कि नहीं ऐसे ब्रेकआउट करेगा, वो यहाँ पर ऐसे सस्टेन करता है, वहीं डर जाते हैं। तो यहाँ फियर फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम ऑप्शन मिस्टेक में हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक फियर फैक्टर भी होता है कि अगर बायर्स को ऐसा लग रहा है कि नीचे जाएगा, अपनी पोजिशन एग्जिट करेंगे, उसके साथ बहुत सारे बायर्स एग्जिट करेंगे और वहाँ पर प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक फियर फैक्टर भी काफ़ी यहाँ पर बॉदर करता है। तो आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर बायर्स का फियर फैक्टर था। ठीक है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर कॉल राइटर्स उनका भी सपोर्ट मिला कि वो अपनी पोजीशन वाइंड अप किए, लॉस बुक करके एग्जिट किया और प्राइस ऊपर चला गया। ये होता है कि आप जब चार्ट रीडिंग करते हो, जब आपको ऐसा दिखता है तो आपको वहाँ पर जाके ऑप्शन इंटरेस्ट में, ओपन इंटरेस्ट में जरूर देखना चाहिए कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर लेवल पे जो राइटर्स हैं वो कितने एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ अभी तो कितना हुआ है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि कोई भी ब्रेकआउट का जब भी बात हो रही है, सिर्फ इस कंडीशन में नहीं, कभी भी आपने कोई लेवल बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, जब भी वो ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे जाके ओपन इंटरेस्ट को जरूर चेक करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट को मैं कैसे देखूंगा हम उस पर बात करते हैं। पहले हम देखेंगे कि चार्ट पे हम कैसे, किस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, सो हमने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यू ओपन कर लिया है। ठीक है, एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, पहले हम चार्ट को देखते हैं, तो एनालाइज में जाने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर मुझे ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, ओके, एनालाइज में गए और हमने चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड पे हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो चार्ट ओपन होगा और चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लेवल देखकर वहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, सो ओके, यहाँ पर यूबीएल का चार्ट है, सो चलिए यूबीएल वाले में ही देखते हैं कि यूबीएल वाले को किस तरीके से हम लेवल बना के उसको हम ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे कि कैसे जो भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर सपोर्ट हम बना रहे हैं, अगर उस सपोर्ट को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो वहाँ पर हम क्या कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो, यहाँ पर मुझे 5 से 8 तारीख का डेटा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी पीछे का डेटा लोड नहीं हुआ है, वी विल वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ का हम डेटा देखते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो UBL का चार्ट है, ठीक है, ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे अभी तो यहाँ पर आपको तो पूरा क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे प्राइस यहाँ से मूव करके आया और आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अगर इसी रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा 2100 पर यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, तो 2100 जो आप देख रहे हो यहाँ पर 2105 है, थोड़ा सा हम लाइन नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन नीचे करेंगे तो इस तरीके से आएगा ये, ओके, ठीक है, 2097 दिख रहा है मुझे, ठीक है, चलिए 2097। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन वापस से नीचे आया, जो मैं आपको बोर्ड पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से ऐसे ब्रेकआउट करता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं सब ट्रैप हो गए, यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप नहीं हुए, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो गए। ठीक है, वहाँ पर पूरी तरीके से नीचे आया, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की इसने। ठीक है, 8 तारीख का ही डेटा ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि मंडे को, तो मंडे को आप देख सकते हो कि कैसे, ये तो फ्राइडे का आपका कि फ्राइडे को ब्रेकआउट से आपका बच गया, अभी मंडे को आप क्लियरली देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और वापस से रिटर्न आया, अगेन वहाँ पे 9 को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया फर्स्ट मॉर्निंग कैंडल में, वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन वहाँ पर देखिए उसको रिस्पेक्ट करके वापस से ये नीचे आया। ठीक है, सो ये बता क्या रहा है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कॉल राइटर्स पोजिशन अपना बनाते हैं, कॉल राइटर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हावी हैं।
वो अपनी पोजीशन बिल्कुल भी वाइंड अप नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशन बिल्कुल भी वाइंड अप करना नहीं चाह रहे हैं। तो वहां पे मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, जस्ट मिनट, वहां पर मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं किए, ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है। सो होगा क्या, वहां पर प्राइस वहां से नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमें कॉल अनवाइंडिंग देखनी है कि वहां पर जितने भी कॉल राइटर्स हैं अगर वो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं तो मुझे वहां पर क्या मौका मिल सकता है। तो यहां पे जैसे कि 2100 का लेवल है यहां पे, और यहां पर 2035, और नीचे सबसे ज्यादा 2000 का लेवल आप देख रहे हो, जैसे मैंने पर मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। 2000 का आप देख सकते हो क्लियर है कि 2000 को कैसे यहां पर लेवल नीचे ब्रेक किया और काफ़ी अच्छे से नीचे मुझे यहां पर मोमेंटम मिला है। और वैसे आप देख सकते हो कि जैसे यहां पर 2130 यहां पर ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से ऊपर गया और वापस से फिर वहां पर रिटर्न आया, ठीक है। तो मुझे 2030 का वहां पर एक अच्छा मुझे रेजिस्टेंस मिला था जिसको ब्रेकआउट पे एक अच्छा मौका मिला। तो चलिए ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं कि मुझे वहां पर किस तरीके से अपना नजरिया रखना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो UBL है, ठीक है, यहां पे देखिए जैसे कि 2100 का लेवल आप देख सकते हो कितने ज्यादा यहां पर कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, 318,000 अभी उसमें से 12,000 लोग माइनस हुए हैं। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि आपका एक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा और ये जो अनवाइंडिंग है ये यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा, अभी तो सिर्फ 12,000 वहाँ से गए हैं, मान लीजिए वही बढ़कर आपका 50,000 100,000 वहाँ से पहुँचना शुरू करते हैं तो 30% ऐसा वाइंड अप कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर फियर हावी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा और जैसे ही उसके ऊपर ब्रीच करेगा, आप एक बार चार्ट पे जो आपने लेवल बनाया है हम उस पर भी देख सकते हैं कि 2100 के लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया है। अगर वहाँ पे ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर आके मैं देखूंगा कि ये जो मेरा ऑप्शन राइटर्स हैं जो 2100 लेवल पे हैं वहाँ पे कितना एडिशन हुआ है और कितना सब्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर एडिशन मुझे दिख रही है, ठीक है, एडिशन जैसे डार्क रेड अभी आप देख सकते हो 2000 लेवल का जो है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस ने उसको टच करके ऊपर आया, हमने चार्ट में क्लियरली देखा, ठीक है, कि 2000 के लेवल को वहाँ पे ब्रीच किया, वापस से उसको ऊपर की ओर लेवल ब्रेक करके ऊपर आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से कम हो गए, यहाँ पे पुट राइटर्स हावी हो गए, राइट, कॉल राइटर्स देखिए मुश्किल से 30% है, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाने की संभावना है। तो यहाँ पर भी अगर आपको पुट राइटर्स हैं या इंक्रीज होना शुरू होते हैं और ये कम होना शुरू होते हैं तो क्लियर आपको इंडिकेशन है कि ये ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कॉल ऑप्शन फ्यूचर या फिर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क को मैनेज करके जाना है तो ऑब्वियसली जो भी आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं उसको हेज करके जाइए, यानी अपना स्प्रेड बना के जाइए, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, उसमें आप बना के उसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बहुत ही अच्छा रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आप नेकेड कॉल या नेकेड पुट भी ले सकते हैं, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, उस रिस्क को मैनेज करना जानते हैं तो आसानी से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखा कि किस तरीके से यहाँ पे पुट राइटर्स बढ़ गए, कम हो गए, तो यहाँ पे बना के ऊपर आया लेवल। आप देख सकते हो कि अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर, देखिए ऑलरेडी अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ ऊपर जाके एडिशन हो रहा है। तो अगर पोजिशनली मैं देखूँ, अगर यहाँ पर 2100 को एकदम लेवल को ब्रेक करता तो मेरा अगला टारगेट जो है वो 2200 है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 10% का मूव है। तो अगर मैं मान लीजिए कि मेरा सेंटिमेंट्स या मेरा जो स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है कि 2200 तक जा सकता है, सो ये ब्रेक करेगा तो मैं उसको बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड कर सकता हूँ। अदरवाइज इंट्राडे में मेरा ROI के हिसाब से जो रिटर्न मिल रहा है एंड मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ तो मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप चार्ट ओपन करिए, वहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट वहाँ पर बनाइए, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में देखिए कि वो रेजिस्टेंस पे कितने राइटर्स हैं, सपोर्ट पे कितने पुट राइटर्स हैं, ठीक है, वेरिएशन देखिए, चेंजेस देखिए, चेंजेस क्या हो रहा है, और वो चेंजेस के साथ आप स्टॉक का डायरेक्शन देखिए, जैसे वो मैच करता है आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करके चार्ट के साथ एक ट्रेड सेटअप हम कैसा बना सकते हैं।
ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।